चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि कल भी हमने साइंस का पेपर सॉल्व किया था, आज फिर हम साइंस के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जीरो थैलमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम या केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, या इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसको कहा जाता है। इसकी कमी से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ते आते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस रोग को निक्टोलोपिया भी बोल सकते हैं, निक्टोलोपिया। और जैसा कि पेपर में पूछा है, जीरोथैल्मिया भी इसको बोला जा सकता है। इस रोग को जीरोथैल्मिया भी बोला जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा टोटल विटामिन की बात आपके सामने कर लेती हूं। विटामिन बी की बात करूं तो B1 से लेके होता B12 तक, वैसे तो 22 तक होते हैं, लेकिन 22 तक ना जाके जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एक मैं विटामिन B17 की भी बात करूंगी। विटामिन B1 जो है उसका केमिकल नेम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता बेरीबेरी। ज़्यादा डीपली तो वो नहीं पूछता, फिर भी मैं बात करूं तो बेरीबेरी भी दो प्रकार का होता है, शुष्क बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, और गीला बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी जिसको बोला जाता है। B2 की बात करूं तो B2 का रासायनिक नाम या केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस में होंठ और जीभ फटने लगते हैं। विटामिन B3 की मैं बात करूं तो विटामिन B3 से भोजन का डाइजेशन नहीं होता ढंग से, मतलब जिसको बदहजमी भी हम बोल सकते हैं। विटामिन B4 नहीं होता है, डायरेक्ट विटामिन B5 होता है, जिसमें पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग में बालों का सफ़ेद होना है, डायरिया भी हो जाता है, और याददाश्त में भी कमी आने लगती है। विटामिन B6 की मैं बात करूं तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। और एनीमिया रोग है ये विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B11 और विटामिन B12 से होते हैं। इन चारों से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B11 है ये RBC की संख्या, विटामिन B11 RBC की संख्या को बढ़ाता है, जबकि विटामिन B12 है ये RBC को मैच्योर करने का काम करता है। विटामिन B12 में एक मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट धातु या कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, इसलिए इसका केमिकल नेम है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। फिर विटामिन B17 पे मैं आऊँ तो विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या काम है इसको, कैंसर से लड़ने की क्षमता कौन देता है, विटामिन B17 देता है, इसीलिए इसको कौन सा विटामिन कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी की मैं बात करूँ तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की मैं बात करूं तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी से इसको सनशाइन विटामिन, धूपकारी विटामिन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में इस रोग को रिकेट्स बोल देते हैं, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं,
और इसको हिंदी में सूखा रोग भी बोला जाता है। उसी रोग को वयस्क में, अडल्ट में ऑस्टियोमेलासिया बोल दिया जाता है। उसी रोग को ऑस्टियोमेलासिया बोल दिया जाता है। बच्चों में तो इस रोग को रिकेट्स या सूखा रोग, और वयस्क में, अडल्ट स्टेज में इसको ऑस्टियोमेलासिया बोल दिया जाता है। फिर बात करूं मैं विटामिन ई की। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता जिसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं, और महिलाओं में बांझपन हो जाता है जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा ये सोयाबीन में पाया जाता है। फिर बात आती है विटामिन के की। विटामिन के की मैं बात करूँ, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये अपने शरीर में बनता है, और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें एक कोलन भाग होता है, कोलन पार्ट। कोलन भाग में ई कोलाई बैक्टीरिया करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको एंटी हीमोफिलिक विटामिन भी कहा जाता है, और इस विटामिन की कमी होने पर व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा वैसे तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन शरीर में इसका निर्माण बैक्टीरिया ई कोलाई ही कर लेता है। एंटी हीमोफिलिक विटामिन क्यों कहा? क्योंकि इसकी कमी होने पर हीमोफीलिया रोग, और हीमोफीलिया रोग है वो एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज होने के साथ साथ इसको दूसरा नाम इसका है शाही रोग या रॉयल डिजीज भी इसको कहा जाता है। सबको पता है कि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, तो शाही रोग बोल दिया गया। आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज है, पीढ़ी दर ये पीढ़ी चलता रहता है, और ये खासकर पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में ये सिर्फ पूरे विश्व में 9% महिलाओं में देखने को मिलता है। वह कैरियर का काम इसमें महिला, फीमेल करती है, और रोगी इसमें पुरुष होता है। ये थोड़े से मोटे मोटे मैंने विटामिन की बात की है, रोग और उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम की मैंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको मैथेन, मीथेन बोल सकते हैं। इसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बायोगैस में CH4 भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, अमोनिया भी पाई जाती है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। बायोगैस में 60% मीथेन, 10% है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी 30% भाग अमोनिया और ऑक्सीजन का पाया जाता है। बायोगैस में मैक्सिमम क्वांटिटी में या अधिक प्रतिशत में मीथेन पाए जाने के कारण इसको बायोगैस नाम भी दिया जाता है, और इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, कई बार क्या सोचते हैं कि बचपन से हमारा पढ़ा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस तो CO2 को ही कहा जाता है। CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये मार्स एरिया में, जो मार्स मतलब जो कीचड़, दलदली भाग जो होते हैं जिनमें एनी टाइम पानी भरा रहता है, उनमें ये गैस पाई जाती है। कोयले की खानों में, कोयल माइंस में भी ये पाई जाती है, और दलदली भाग मैंने बोलाई, और राइस फील्ड, चावल के खेतों में भी ये गैस पाई जाती है। उसके अलावा जब मार्स गैस का उसने पूछ लिया, तो कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ब्यूटेन का वो पूछ लिया, तो सिगरेट लाइटर में भरी जाती है। कई बार इसी में से एसिटिलीन या इथाइलीन का पूछ लिया जाता है, तो उसका निर्माण गैस वेल्डिंग और कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। और कई बार डियर स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म पे भी वो क्वेश्चन कर लेता है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जो निश्चेतक या अनकॉन्सियस के रूप में इसका यूज किया जाता है, बेहोशी के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये मार्स गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो मैंने आपके सामने बोले हैं। आगे थोड़ी मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां होता है? तो रेड ब्लड सेल मतलब RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, WBC पूछ ले भाई अगला, और प्लेटलेट्स भी पूछ सकता है अगला, प्लेटलेट्स। तो तीनों का निर्माण ही हड्डियों में, बोन्स में उपस्थित बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है।
अस्थि मज्जा में बोन मैरो में स्टेम नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टेम नामक सेल पाई जाती हैं, जिनके विभाजन से प्राथमिक प्राइमरी आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है और प्लेटलेट्स बनती है। और इन प्राइमरी आरबीसी प्राथमिक आरबीसी से आगे जाकर ही आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का लाइफ टाइम है वो 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का कुछ घंटों से लेकर 10 दिन तक भी हो सकता है। वैसे हम पढ़ने को 5 से 7 दिन इसका पढ़ा करते हैं। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कई बार वो पूछ लेता है, तो डब्ल्यूबीसी पर बात करूं सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये थोड़ा आपको हर साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है कि ओम्स ला, पूछा कि ओम्स ला जिसने दिया था वो कहां से बिलोंग करता है। तो ओम्स ला किसने दिया था, ओम ने दिया था जो जर्मनी से थे। तो कुछ एक साइंटिस्ट है जो कहां से थे। एक आपको भाषा का लैंग्वेज का क्वेश्चन भी लेते हुए चलना है, क्योंकि एक बार एसएससी में पूछा हुआ कि कोशिका सेल कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको भाषा का शब्द भी पढ़ना है। कोशिका है, सेल है, उसकी मैं बात करूं तो वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता छोटा कमरा। दूसरा, कई बार एटम का, परमाणु का पूछ लेता तो उसका वो भी लैटिन भाषा से है जो एटोमिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है अविभाजन, नॉन डिवाइडेड, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो आज की शिफ्ट के ये क्वेश्चन थे जिनका आपके सामने मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया है। कल की शिफ्ट के लिए एक बार फिर हम इस टाइम मिलेंगे, और कल जिन स्टूडेंट्स का पेपर है अच्छे से कॉन्फिडेंट होके पेपर दें। पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने की कोई जरूरी नहीं है। जितना आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे, उतने अच्छे से आप पेपर करते हुए चलेंगे। तो कल के स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आपको पेपर करना है।